हेलो एवरीवन, आई एम शर्मिष्ठा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये वाला मेकअप लुक एंड दिस इज़ एंगेजमेंट मेकअप लुक। इस मेकअप लुक में मैंने आईज़ पे ज़्यादा फोकस किया है एंड आईज़ को थोड़ा सा शिमरी रखा है एंड लिप्स को आप न्यूड या फिर इस तरीके से पिंक भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने फेस को प्रेप किया है, इसके लिए सबसे पहले मैंने ये टोनर अप्लाई किया है एंड जब ये ड्राई हो गया था तब मैंने मॉइस्चराइज किया है फेस को निविया क्रीम से। देन इसके बाद मैंने लिप्स को भी मॉइस्चराइज किया है बोरोडीन से। देन इसके बाद मैंने मेकअप स्टार्ट किया है प्राइमर अप्लाई करके। मैंने अप्लाई किया है NYB का प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड अफोर्डेबल है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है मेवलिन फिट मी फाउंडेशन द शेड नंबर 128 वार्म न्यूड। देन इसे मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन इसके बाद मैंने अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, सो इसमें मेरा शेड नेम है शेड नंबर 2 सैंड सेबल एंड इसे मैंने अपने अंडर आई पे, आईलिड पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, फोरहेड पे, चिन पे, जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है फेस को वहाँ वहाँ अप्लाई कर लिया है। देन इसे सेट करना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने लिया है कलर सेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड नेम बेज। इसे मैंने अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मैंने लिया है हिलाइडर का पैलेट एंड इसमें से ये मैंने ये वाला डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आईब्राउज को फिल इन किया है। सो माय आईब्राउज आर डन। इसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है मास्क का 36 कलर मैट आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैंने ये वाला रेड शेड पिक किया है एंड पूरे आईलिड पे अच्छे से मैंने ब्लेंड करके अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने ये वाला ब्लैक शेड लिया है एंड जस्ट मैंने आउटर वी पे अच्छे से ब्लेंड किया है, ओनली आउटर वी पे ब्लेंड करना है एंड रेड और ब्लैक दोनों कलर को अच्छे से जस्ट ब्लेंड कर देना है। इसके बाद मैंने इसी पैलेट में से ये वाला गोल्डन शेड पिक किया है एंड इस तरीके से मिडल ऑफ द आईलिड पे अप्लाई कर लिया है एंड देन शिमर शेड के साथ दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, मतलब कि जो ब्लैक एंड पिंक शेड को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। नाउ फॉर काजल, मैंने अप्लाई किया है वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन कोल आईलाइनर एंड ये ब्राउन कलर में है। इसे मैंने अपने लोअर वाटरलाइन एंड अपर वाटरलाइन दोनों भी अप्लाई कर लिया है। देन अगेन उसी रेड एंड ब्लैक आई शेडो को मिक्स करके मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैंने फेस को कॉन्टोर किया है NYB के कॉन्टोर स्टिक से इन द शेड नेम 7 रोमिंग इन रूजवेल्ट टोस्ट। इसे मैंने अपनी चीक्स को, अपने चिन को, फोरहेड को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है एंड देन मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर इस तरीके से अपने चीक्स पे अप्लाई किया है ताकि जो कॉन्टोर का कट है वो अच्छे से दिखे। देन मैंने ब्लश अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी के प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट में से ये वाला रेड शेड पिक करके। देन मैंने अप्लाई किया है आईलाइनर, तो मैंने अप्लाई किया है NYB का लिक्विड आईलाइनर एंड इससे मैंने एक छोटा सा विंग क्रिएट किया है। देन मैंने अप्लाई किया है बेला वॉस का मस्कारा एंड इसे मैंने अपनी दोनों आईज पे ही अपर एंड लोअर लैशेज पे अच्छे से कोट कर लिया है। नाउ फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने अगेन लिया है स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट एंड इसमें से मैंने ये वाला हाईलाइटर शेड पिक किया है एंड अपने चीक्स को, अपने नोज को, चिन को, क्यूपिड्स बो को, ऑल्सो फोरहेड को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है एंड ऑल्सो मैंने अपने आईज को भी हाईलाइट कर लिया है, जैसे कि ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स को। देन लास्टली फॉर लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया है हाफ एंड हाफ का बुलेट लिपस्टिक इन द शेड नंबर 604 एप्रिकॉट एंड देन इसके ऊपर से मैंने टॉप किया है ट्रू लिप्स का लिप लाइनर पेंसिल एंड दिस इज द फाइनल लुक। सो कैसा लगा आपको मेरा ये एंगेजमेंट मेकअप लुक? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड या आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, बाय।